सांस भरूं तो तेरे बिना नहीं हूं गुजारा। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको एकदम न्यू इफेक्ट के साथ में वीडियो को एडिट कर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला वीडियो एकदम से न्यू है। अगर गाइस अभी के टाइम पर आप इस तरह का वीडियो बनाकर अपलोड करोगे तो भाई आपका वीडियो वायरल होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब आपको इस तरह का वीडियो बनाना किस तरीके से एंड किस एप्लीकेशन से बनाना है, मैं सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। अब वीडियो को एडिट करने से पहले आपके पास एक शायरी होना जरूरी है, तो मैं आपको शायरी को क्रिएट कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जाना है आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। एंड आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। एंड आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक शायरी को लिख देना, जो भी आप लिखना चाहते हो, यानी कि जो भी आप शायरी वगैरह क्रिएट करना चाहते हो वो वाला शायरी आपको लिखना है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन से शायरी को क्रिएट कैसे करना है। अगर आपको शायरी वगैरह क्रिएट करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको देखकर आप शायरी को क्रिएट कर लेना। ध्यान रखना आपको शायरी को पीएनजी में ही सेव करना है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने शायरी को कंप्लीट क्रिएट कर लिया, पीएनजी करने के बाद में सेव भी कर लिया। अब आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बैक आना है। डन, आपको हर बार की तरह अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे, सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है। डन, आपको इसको 9:16 में करना है। बैकग्राउंड में आपको लाइट ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर आपको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर वीडियो को एडिट किस तरीके से करना है, मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले नीचे की साइड में आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है। डन, आपको मीडिया पर जाना है, जो आपने पिक्सल लैब से शायरी को क्रिएट किया था ना, वो वाला शायरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, शायरी को बीच सेंटर में ऐड करना है। उसके बाद में शायरी के लेयर को आगे की साइड में स्लाइड करना है। आपको उतना ही करना है जितने सेकंड का आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना वीडियो 8-9 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से टाइमलाइन को फिक्स कर लिया। अब आपको शायरी के लेयर में कुछ इफेक्ट वगैरह को लगाना है, तो आपको सबसे पहले लेयर पर टैप करना है। उसके बाद में आपको जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको जाना है ऐड इफेक्ट पर। ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में जाना है। एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है वेब बर्ब। आपको स्क्रीन पर इफेक्ट का नेम शो कर रहा है, तो आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर टैप करने के बाद में अब आपको इस इफेक्ट की सेटिंग को एडजस्ट करना है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। वीडियो की स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लेंथ है इफेक्ट का, इसका जो लेंथ है ना, आपको 0.2 पर स्टॉप करना है। यानी कि 0.2 पर नहीं, 2.00 पर आपको स्टॉप करना है। ध्यान रखना है आपको इसको माइनस में 2.00 पर स्टॉप करना है। उसके बाद में आपको व्हाइट मार्क लगाना है। फर्स्ट में व्हाइट मार्क लगाने के बाद में आपको लेयर के लास्ट में जाना है। उसके बाद में जो फर्स्ट वाला लेंथ है आपने पहले माइनस में बढ़ाया था, अब आपको प्लस में इसको डाउन करना है। 1.25 तक आपको प्लस में इसको डाउन कर देना, बस आपको इतना सा काम यहाँ पर करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड वाला लेंथ है एंगल वाले, इसको आपको खाली छोड़ना है। उसी के जस्ट नीचे की साइड में आपको स्पेसिंग वाले को प्लस में आपको डाउन करना है 3.5 तक। ध्यान रखना है 3.5 तक डाउन करना है। उसके बाद में जस्ट उसी के फोर्थ नंबर वाले इफेक्ट के लेंथ पर टैप करना है। सेम तरीके से आपको प्लस में डाउन करना है 2.5 तक। बस आपको यहाँ पर इतना सा काम करना है। अब अगर कहीं से आपको लगता है ये वाला इफेक्ट सही से ऐड नहीं हो पाया, सही से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्पेसिंग वाला है ना, इसकी मदद से आप इसे सही से एडजस्ट कर लेना। एंड अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, बहुत सिंपल है। इतना करने के बाद में आपको सिंपल से यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ये वाला कंप्लीट बन चुका है। अब आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। देन आपको नीचे की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है, जिसका लिंक डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर। एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में आपको लेयर के लास्ट में जाना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी शायरी के लेयर के टाइमलाइन के हिसाब से ही इफेक्ट वीडियो का टाइमलाइन होना चाहिए। अगर टाइमलाइन ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ से इसको स्प्लाइट करना है। स्प्लाइट करने के बाद में बाकी के पार्ट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद में अब आपको सिंपल से इफेक्ट वीडियो के लेयर पर टैप करना है। लेयर पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है ब्लेंडिंग पर। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद में आपको इसको स्क्रीन कर देना, बस आपको यहाँ पर इतना सा काम करना है। अब गाइस आपको यहाँ पर एक और इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। देन आपको नीचे की साइड में प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद में आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो इफेक्ट वीडियो सिलेक्ट करना है, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद में आपको सेम तरीके से लेयर के लास्ट में जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट वीडियो के लेयर पर टाइप करना है। डन, आपको यहाँ पर स्प्लाइट वाले ऑप्शन पर जाकर बाकी के पार्ट को स्प्लाइट कर देना, अगर टाइमलाइन ज्यादा हो रहा है तो। अब आपको इस वाले इफेक्ट वीडियो को भी सेम तरीके से ब्लेंडिंग करना है, जो आपने पहले वाला वीडियो को किया था ना, सेम तरीके से आपको ब्लेंडिंग पर जाकर इसको भी स्क्रीन कर देना। बस यहाँ पर ब्लेंडिंग हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको अपनी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मजेदार इफेक्ट को ऐड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। डन, आपको प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद में आपको मीडिया पर जाना है। एंड आपको यहाँ पर एक वॉलपेपर फोटो को सिलेक्ट करना है, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से
या फिर कमेंट बॉक्स में से जहाँ से भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आपको वॉलपेपर के लेयर पर टैप कर रखना है। देन आपको अपनी वीडियो के लेयर के लास्ट में जाना है एंड आपको स्पीड के सेकंड नंबर पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर सभी लेयर का टाइमलाइन फिक्स हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें इफेक्ट को ऐड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ वॉलपेपर में, तो सबसे पहले आपको वॉलपेपर के लेयर पर टैप करना है। देन आपको जाना है इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको जाना है ऐड इफेक्ट पर। ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक इफेक्ट को सर्च करना है जिसका नाम है डॉट्स, आपको स्क्रीन पर नेम शो कर रहा है। आपको सिंपल सी सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाने के बाद में आपको DOTS इस तरीके से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर डॉट्स वाली इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन आपको सेम तरीके से स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में अब आपको इसकी सेटिंग को एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है, उसके बाद में आपको इफेक्ट के लेयर में थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको ब्लैक व्हाइट कलर मिलेगा, तो आपको जो ब्लैक वाला कलर है ना आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको ब्लैक वाले में व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर व्हाइट कलर कर देना। उसके बाद में इसका जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को आपको 1 पॉइंट पर कर देना। बस आपको यहाँ पर इतना सा काम करना है। उसके बाद में आपको अपने इफेक्ट का जो फर्स्ट वाला लेंथ है स्केल वाला, इस लेंथ की मदद से आपको डॉट्स को छोटा छोटा करना है। जितना मैं कर रहा हूँ ना सेम तरीके से करना है, यानी कि आपको जो लेंथ है ना आपको 0.70 पर आपको स्टॉप करना है। उसके बाद में जो सेकंड वाला लेंथ है, थर्ड वाला लेंथ है, इसकी मदद से आप इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे नीचे की साइड में जाना है। थोड़ी सी नीचे जाने के बाद में आपको ऑफसेट में यहाँ पर एक्स बाय का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बाय को सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना। डन, आपको यहाँ पर व्हाइट मार्क लगाना है। व्हाइट मार्क को लगाने के बाद में यहाँ पर जो वॉलपेपर का लेयर है, आपको वॉलपेपर के लेयर के लास्ट में जाना है। लेयर के लास्ट में जाने के बाद में इसका जो लेंथ है इफेक्ट का, इसकी मदद से आप डॉट को नीचे की साइड में सिलेक्ट करना है। देख लेना आप अपने हिसाब से डॉट को नीचे की साइड में सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद में अब आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मजेदार वाले इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। डन, आपको वॉलपेपर के लेयर पर टैप करने के बाद में इफेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको जाना है ऐड इफेक्ट पर। ऐड इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में जाकर फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट सर्च करना है। आपको जो स्क्रीन पर नेम शो कर रहा है फ्लिप लेयर वाला, आपको सिंपल से इफेक्ट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेम तरीके से स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इफेक्ट के लेयर को सिलेक्ट करना है। अब इस इफेक्ट की जो सेटिंग है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं जो बता रहा हूँ ना वो स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने इफेक्ट में थोड़ा सा नीचे जाना है। डन, आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपको कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद में आप अपने बॉर्डर में जो भी कलर वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में जो इफेक्ट का फर्स्ट वाला लेंथ है, इसकी मदद से आपको इस गेट को ऑन करना है, यानी कि पहले ऑफ था अब आपको ऑन करना है। इस तरीके से आपको देख लेना है ऊपर की साइड में। आपको यहाँ पर अपने हिसाब से अंदाजा लगाना है जो लेंथ है ना, आपको इसको सिलेक्ट करना है। डन, आपको यहाँ पर इसको बीच सेंटर में कर देना, बिल्कुल ऑन कर देना गेट को। बाकी आपको यहाँ पर जो लेयर है ना वॉलपेपर का लेयर है, वॉलपेपर के लेयर को पकड़कर आपको एक साइड में ले जाना है इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ एंड जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। आपको गेट को एक साइड में लगा देना दीवार में। बाकी आपको यहाँ पर इस लेंथ की मदद से इसको ऑफ कर देना। इस तरीके से आपको गेट को बंद करना है। बंद करने के बाद में आपको अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको व्हाइट मार्क लगाना है। व्हाइट मार्क को लगाने के बाद में आपको अपने लेयर के लास्ट में नहीं जाना है, आपको अपनी वीडियो के बीच सेंटर में रहना है। जैसे कि आपका वीडियो 8 सेकंड का है तो आपको 4 सेकंड बीच में रहना है एंड आपका 5 सेकंड का है तो 5 सेकंड रहना है। इतना करने के बाद में जो लेंथ है इसकी मदद से आप गेट को ऑन कर देना। जैसे कि हम गेट को खोलते हैं ना, सेम तरीके से आपको गेट को खोल देना इस लेंथ की मदद से। बस आपको यहाँ पर इतना सा काम करना है। आपका वीडियो कंप्लीट तरीके से बन चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इसकी सेटिंग में थोड़ा बहुत कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी कैसे अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आपको एडिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी बता दूंगा एक एक स्टेप आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस वाली वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जाने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप पे डिपेंड करते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।